रिकॉर्डिंग। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। अब देखिए अभी लगभग सुबह के 9 बज रहे हैं, है ना। थोड़ा लेट हो गया हमें फ्रेश होने में। कपड़ा मैं निकल धोया था तो कपड़ा सूखा नहीं था, जिसकी वजह से थोड़ा लेट हो गया मुझे। तो अभी का सीन ये है कि अभी हम यहाँ से निकलेंगे फटाफट, थोड़ा सा लेह एक्सप्लोर करेंगे। लेह में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे देखनी है। उसके बाद फटाख से हम निकलेंगे कारगिल के लिए। आज कारगिल लगभग यहाँ से अराउंड 200 कुछ ऐसा किलोमीटर है। अगर रोड अच्छा रहा तो 5-6 घंटे लगेंगे हमें वहाँ पहुँचने में, और अगर रोड ख़राब रहा तो कम से कम 8 घंटा लगेगा ही लगेगा। तो मुझे लगता है शायद कि कारगिल पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगा। बाजी देखिए, उन्होंने कहा कि जो जोरावर फोर्ट है यहाँ से एक पेट्रोल पंप है, वहाँ से 1 किलोमीटर आगे है। कितना? एक किलोमीटर आगे। ठीक है। वैसे पाजी हमारे पास मैप है, हम पूछे क्यों? मैप पे देख लेते ना। वो देख लो, हॉल ऑफ फेम वार मेमोरियल भी उधर ही है। जोरावर फोर्ट था पाजी, ये जोरावर फोर्ट सिख थे ना? जोरावर ये जर्नैल थे, महाराज रणजीत सिंह के सिख जर्नैल थे। अच्छा। और एक ही इंसान था जिसने लेह को फतेह किया था, लेह लद्दाख को। अच्छा, वही और इसको कोई हाँ और कोई भी इसको फतेह नहीं कर पाया था उसके सिपाही। तो उन्हीं का जहाँ का राजा था वो भाग कर वहाँ किसी दूर जाकर उसने अपना महल बना लिया था। अच्छा अच्छा, तो ये इसी में बोल रहे उसका, हाँ ये किला है उसका। अच्छा चलिए पाजी, अब पहला ले, ये तो मंडे है इसलिए बंद है, अंदर हम जा नहीं सकते। जो पहले की गाड़ी है, जो जब लद्दाख अलग नहीं हुआ था तो उस गाड़ी में JNK नंबर लिखा है। हाँ, JNK है ना JNK। अभी जितनी भी गाड़ी है देख रहे हैं हम, जो अभी LA लिखा रहा है, LA फॉर लद्दाख। तो अभी का क्या है कि अभी हम लोग निकल रहे हैं पाजी कारगिल की तरफ, और कारगिल होते हुए जो जा रहे हैं ना तो हमें एक बढ़िया चीज़ मिलेगी, वो है मैग्नेटिक हिल। पाजी मैग्नेटिक हिल आज हम देख लेंगे कि मैग्नेटिक हिल क्या होता है। भाई क्या है कि अभी हम कहाँ पहुँचे पाजी? ये गुरुद्वारा पत्थर साहिब है, गुरुद्वारा पत्थर साहिब लेह है ना, लेह से लेह और कारगिल के बीच में। बीच में पाजी देखिए, मुझे तो इतना नॉलेज नहीं है, आपके पास इसके बारे में ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे, आप बताइए कि ये क्या है। ये है गुरु नानक देव जी का गुरुद्वारा है पत्थर साहिब। अच्छा। गुरु नानक देव जी जब उदासियों पर जाते थे ना तब यहाँ रुके थे। अच्छा। उस समय रुके थे और यहाँ बैठ कर वहाँ तपस्या करते, थोड़ा बैठ कर है ना भक्ति किया करते थे। तो इस पहाड़ पे ऊपर एक राक्षस रहता था। अच्छा। तो उस राक्षस ने देखा कि यार ये कौन आ गया है, क्योंकि लोग उससे वहाँ डरते थे, बहुत पावरफुल था, और लोग गुरु नानक देव जी के पास आया करते, जो जहाँ के नज़दीक के थे लोग ना वो उनके दर्शनों को आते थे, उनसे उन्हें अपनी समस्याएं बताते थे। तो राक्षस ने देखा कि ये लोग मुझसे अब डरने लग गए हैं,
कि मेरे पास नहीं आते, अब डर रहे हैं, डरते नहीं हैं जी, इनके पास बैठते हैं आकर। तो उसने क्या किया, राक्षस ने ऊपर से एक बड़ा बड़ा पत्थर जो तुमने देखा अंदर, वो उठा के फेंक दिया उनके ऊपर। अच्छा, तो गुरु नानक देव जी वो तो खुदा का रूप से, जब वो पत्थर गिरा, वो जहाँ आपने देखा ना अंदर, वो मोम का बन गया, पूरे का पूरा मोम जैसे होता है ना, अच्छा वैसे हो गया। और जब राक्षस नीचे आया, उसने कहा कि वो तो दब के मर गए हो गए, मैं जाके देखता हूँ। जब आके देखा तो गुरु नानक देव जी बिल्कुल ऐसे पत्थर के साथ सहारा लेके बैठे हैं। अच्छा, तो वो उस बड़े गुस्से में आ गया कि यार मैंने इस पे पत्थर फेंका, ये बच कैसे गया। अच्छा, कि ये कोई माया भी है तो ये आपके लिए ये क्या है कि बहुत इंपॉर्टेंट जगह में से एक है ना ये, क्योंकि यार गुरु नानक देव जी का शरीर लगा हुआ है। गुरु नानक देव जी भी पहले आपके वो थे, पहले गुरु थे सिख, पहले गुरु। तो ये इनसे हमारा सिख धर्म शुरू हुआ। हम पहुंच चुके हैं मैग्नेटिक हिल। नहीं, मैग्नेटिक हिल क्या है ये? मैग्नेटिक हिल मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक तो ये डाउन ही है। एक पाजी है, उनसे पूछते हैं। सत श्री अकाल जी, आप ज़रा बताइए कि ये मैग्नेटिक हिल क्या है ये? मैग्नेट भैया, यहाँ से बॉक्स बना हुआ है। हाँ हाँ, वो बॉक्स में जैसे गाड़ी ऑफ करके खड़ जाओ, अच्छा वो चलती है यहाँ से। यहाँ से कहाँ तक जाएगी? यहाँ तक आएगी, नीचे तक, यहाँ तक। बस ये इतना सा एरिया मैग्नेटिक हिल है। हाँ जी, बस यही है। ये इस एंड से वो जो गाड़ी खड़ी है वहाँ तक सिर्फ मैग्नेटिक हिल है ना जी? बस इसी का लोग यहाँ बस मजा लेने आते हैं, बाकी यहाँ से जैसे मर्जी। अच्छा, चलती है जहाँ हाँ हाँ हाँ, करने के लिए बस। एक हाँ, संगम पॉइंट। संगम पॉइंट, अच्छा वहाँ रैफ्टिंग रूफ्टिंग होती है। रैफ्टिंग होती है, अच्छा चलिए ठीक है। सत श्रीकाल। तो यही था जी मैग्नेटिक हिल, यहाँ से वहाँ तक गाड़ी अपने आप चलेगी। कुछ खास नहीं लगा मुझे ये कि यहाँ से लेकर के वो 20 मीटर बस उतना ही दूर मैग्नेटिक हिल है। अच्छा, हाँ अपने आप गाड़ी बंद करें। वैसे तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा था जो हम गए थे मैग्नेटिक हिल उधर, है ना, उससे तो बहुत अच्छा था। हाँ, है ना। बस एक लोगों का यहाँ पे एक बिजनेस से बन गया है यहाँ पे एक मैग्नेटिक हिल, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। कुछ नहीं है यार, वो पीछे चढ़ाई है। दूसरी बात की यहाँ पे गाड़ी नीचे उतरती है, यहाँ पे चार पहिए वाली गाड़ी है, आप वो चला सकते हैं पहाड़ों के ऊपर। और कुछ नहीं है यहाँ पे। चलिए बाजी, कारगिल निकलते हैं। बच चुके हैं और लेस निकलने के बाद हमें कहीं पे भी ढाबा मिल ही नहीं रहा था। बहुत मुश्किल से अभी ये ढाबा मिला। पाजी को बड़ी ज़ोर से भूख लगी हुई थी, तो ये खलसी एक जगह है, वहाँ पे हम रुके हैं खाना खाने। तो हमने राजमा चावल ऑर्डर किया है 2 प्लेट। पाजी राजमा का चावल कर दिया है 2 प्लेट। अब हमारे रोड के साथ दरिया बहता हुआ देख रहे हैं। इस दरिए का नाम, इस रिवर का नाम इंडस रिवर है पाजी, इंडस। ये आगे जाके ख़त्म हो जाएगा पाजी कह रहे थे। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि लेह से श्रीनगर के लिए बस भी जाती है। अगर आप लोग बाय द वे अगर कार से ना हो या फिर अपनी बाइक से ना हो तो यहाँ से बस भी जाती है, और एक टेम्पो ट्रैवल चलता है ना, वो भी जाता है भाजी।
अभी मैं खाना छोड़ के भाग के गया, वो टेम्पो ट्रैवल वाला था ना पाजी, मैंने उससे पूछा श्रीनगर से ये ले का कितना लगता है पैसा, उसने कहा 2000 रुपया एक बंदे का 2000 रुपया लगता है ना भैया, 2000 बस। देखिए भाई 70 रुपये पाजी, 80 रुपये ना, 70 रुपये प्लेट, 80 रुपये प्लेट, हाँ 80 रुपये प्लेट भैया, 80 रुपये प्लेट है ना, 80 रुपये प्लेट राजमा चावल बैगन की सब्जी थोड़ा सा सैलड, मन भर के जितना खाना है खाओ। हमने 2 बड़ी चावल लिया पाजी, 2 बड़ी राजमा, बहुत शानदार खाना था। इस रेस्टोरेंट का नाम बालूखर रेस्टोरेंट है, ना ना बालूखर रेस्टोरेंट ही है यहाँ पे। हाँ दूसरी बात ये कि आप जब ले से निकलेंगे तो आपको रेस्टोरेंट मिलेगा लेकिन महंगा मिलेगा, यहाँ पे सस्ते में काम हो जाएगा। वैसे भी हम सस्ते खाने को प्रेफर करते हैं पाजी। यहाँ 3:39 हो रहे हैं और हम लोग यहाँ से खाना खा के निकल चुके हैं। अभी हमें 139 किलोमीटर और सफ़र तय करना है कारगिल पहुँचने के लिए। 145 अंधेरा होने में अभी हमारे पास 3-3.5 घंटा है, देखते हैं हम डिस्टेंस कवर कर पाते या नहीं। देखिए भाई सीन ये है कि हम पहुंच चुके हैं कारगिल, और कारगिल पहुंच कर जब हम आए तो पाजी ने कहा था कि गुरुद्वारा में ठहर लेंगे, लेकिन गुरुद्वारा बंद था तो हमें मजबूरन फिर से होटल लेना पड़ा। इस होटल का नाम होलकर है और इस होटल में रुकने के लिए हमें 700 रुपये पे करना पड़ा, और आज हमने लगभग डिस्टेंस 225 किलोमीटर सफ़र तय किया है। लगभग 10 दिन हो गया पाजी हमें आए हुए, 10 दिन के बाद आज मुझे नॉनवेज खाने का मौका मिल रहा है। पाजी तो नॉनवेज खाते नहीं है और ऐसा लग रहा है जैसे हमें लगा के दिया ना एकदम, ऐसा फील हो रहा है कि कश्मीर में आ ही गए हैं पाजी। हम दस्तरखान, ये प्लेट और ये है बकरे का गोश्त, और पाजी राजमा चावल खाएंगे। हाँ पाजी आज तो मज़ा आ जाएगा पाजी, आज सच में बड़ा खुश हुआ था गोश्त देख करके। पाजी ने कहा कि नहीं यार सैफ तू मेरी वजह से इतने दिन से खानी पाया तो खा ही ले आज, तो मैंने कहा लाओ आज मैं खा ही लेता हूँ। कहा भाजी है ना, चलो फिर स्टार्ट करते हैं खाना। हाँ इसको क्या बोलते हैं, इसको रोगन गोश्त बोलते हैं, रोगन गोश्त ऐसा कुछ, रोगन गोश्त ही बोलते हैं। ये कितने का था ये, और चावल 160 रुपये का, और पाजी का दाल और ये क्या कहते हैं चावल 120 रुपये का, और सैलड तो लगता है कि अपनी तरफ से दे दिया इसने। सही है खाने को, दिक्कत तो नहीं है? नो। ये भाई अभी सीन ये है कि हमने खाना खा लिया, खाना माशाल्लाह बहुत अच्छा था,
बाजी खाना कैसे लगा? बहुत बढ़िया। बढ़िया था? और काफ़ी दिन बाद नॉनवेज खाया तो उसका मज़ा ही कुछ और था। तो आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं ना बाजी। कारगिल पहुंच गए हैं। कारगिल कल इंशाल्लाह आपको सुबह में दिखाएंगे, अभी अंधेरा हो गया है तो कल सुबह आपको कारगिल दिखाएंगे। और फिर चलिए ये ब्लॉग आज का ख़त्म करते हैं। आई होप कि आपको ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड डू सब्सक्राइब एज़ वेल। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।